तो आज मैंने मिंत्रा के सारे ही फुटवेयर शूट किए हैं एंड अभी लगभग 12 बजने वाले हैं, तो चलो खाने की प्रिपरेशन करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। चलो लड़की, कच्चे के साथ सैंडल कौन पहनता है रूरा? हे बंदर, बंदर मेलन चाहिए। इतना बड़ा उठा लेती हैं आप? अच्छा, फ्रिज बंद भी करेंगी? इस मामले में बहुत अच्छी है लड़की। कमरे में से बाहर आएगी, गेट बंद करके आएगी, फ्रिज में से कुछ निकालेगी तो गेट बंद करेगी। इतनी प्यारी तुम, तुम्हारा एडमिशन भी करवाना है मैडम। बहुत लोग कह रहे थे ना ये प्ले स्कूल नहीं जाती, अब तक मुझे बड़ा लाड़ प्यार आ रहा था, बस जब से पुछ घर में आई मुझे लगता है इसका एडमिशन कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो कल हम बहुत सारी दालें लेके आए हैं, तो इनमें डब्बों में भरी जाएंगी क्योंकि काफ़ी दाल ख़त्म हो गई थी घर में। आज हम क्या बनाएं? चूज वन। मम्मा तो एक ही ऑप्शन दे सकती है, आम पन्ना जो जल्दी बनता है। बाकी समझ नहीं आ रहा, टीवी से पूछती हूँ कॉल करके क्या बनाऊँ। तो मैंने टीवी को कॉल किया, उसने ये तो बताया नहीं क्या सब्जी बनाऊँ, बट ये जरूर बोल दी कि कुछ पीने को बना ले ठंडा। तो क्या बनाऊँ? सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई आज तो सुबह से ही लगभग, अभी 12:30 बजे हैं, और सुबह से आज मैं लगा हुआ भाई प्लॉट देखने में, कभी कहाँ प्रॉपर्टी देखने में नहीं लगा हुआ, क्योंकि सिमन के जो मौसा है उनको प्लॉट वगैरह लेना, तो उसके लिए पूरे में वो भी भागा दौड़ चल रही है, तो उनको थोड़ा सा एक दो जगह दिखा रहा है। उन्होंने पहले देखा हुआ था एक कॉलोनी में, तो फिर वहाँ मेरे जो दोस्त है वो प्रॉपर्टी डीलिंग करता, तो उससे मैंने फिर पूछा कि वो खरीदता रहता है वो सारी चीज़ें, कॉलोनी वगैरह भी काटता है वो, तो उसने बताया कि यहाँ ले लो, उसके जरिए अब ले रहे हैं और हमें सही रेट पे मिल भी रहा है। आई थिंक आज शाम को डील भी हो जाएगी उनकी, तो बस उसी में लगे हुए थे। बाकी अभी चलो अभी अपने काम कर लेते हैं, लगभग 12:30 बज चुके हैं, पहले खाना खाते हैं और फिर उसके बाद अपने काम स्टार्ट करते हैं। बहुत डांस हो रहा है, बिना गाने के डांस। बोल जसिया, मेरे को प्यारी सी सिया बोलो। सिया बदल ली, कहाँ ना पकड़ी हो सो क्या करिए, जो करिए आप दीदी हो, जो करिए रू रू आप दीदी हो, रू रू दीदी हो आप, ज़्यादा खा रही। ये इतने पिस्ता तुमने इसमें डाल दिए, मखाने, बादाम, अखरोट, क्या बना रहे हो तुम? ये नमक लड्डू बना रही हो? और ये भी लड्डू में डालेंगे क्या? ये कौन? रिच इन कैल्शियम। हाँ ये तो पता है मुझे, कैल्शियम में तो इसमें भी, ये मखाने में बहुत कैल्शियम होता है। अब पिस्ता में क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। कहाँ जा रहे हो आप? अरे खजूरे, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? सो अभी हम बेसिकली जा रहे हैं एक दो प्लॉट जो प्रॉपर्टी में बता रहा था दो दिन में देखने, तो उससे उनको एक दो दिखानी है मेरे को, और एक दो जो है ऐसे ही देख के आनी फ्यूचर के लिए, थोड़ा सा एक दो जगह में अच्छी लगी, तो देखते हैं अगर सब कुछ ऐसा बैठता है तो। बाकी मौसा जो है उनको दिलाई थी वो वाली भी एक बार दिखाऊंगा कि उनको कौन सा वाला प्लॉट दिलाया था, वो वाली चीज़ भूख लग रही है, अब खा लो। उसे अपने जूते मंगाए थे, एक नई ब्रांड ट्राई करी मैंने ऐसी, ये शार्क टैंक में देखी थी मैंने कि भाई देखता हूँ कैसी है अपनी, क्या नाम है इसका, बाका पुछ ये वाली, देखते कैसे। ज़्यादा कुछ खास प्राइस तो है भी नहीं इनकी, शायद 1800 रुपये के हैं, कितने के हैं ऐसे कुछ है, और 1800 के हिसाब से बाहर से क्वालिटी तो ठीक है, पहनने में ऐसा कुछ खास कम्फर्टेबल नहीं है पहनने में तो ऐसी है, बाकी एक दो दिन अब यूज करेंगे जब पता चलेगा ये ठीक है, मतलब काम चला उसे। कैसे लगे, बढ़िया है, बढ़िया है शूज। और साथ में मंगाया था ये स्क्रीन गार्ड, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड टूट गया था एक बार नीचे गिर के, तो ये भी चेंज करते हैं चलो फटाफट। तो भाई ये वाला टेम्पर है पुराने वाला, चेंज हो चुका है, ये देखो यहाँ से पूरा क्रैक है इस जगह से बहुत सारी, इसमें ध्यान से देखो इधर दिखेंगे। फाइनली ये हो गया चेंज, एक बचा इसके अंदर, दो आते हैं फिर बाद में यूज़ कर लेंगे। तो भाई यहाँ बनाए जा रहे हैं लड्डू, जो कि कल बनने थे पर आज बन रहे हैं, कल बनाए थे। हाँ तो बढ़िया लग रहे हैं, एक खा के देखा मैंने गरम गरम, मज़ा आ गई एकदम मस्त।
तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम घूम रहे हो यहाँ पे पैसे इतनी सारी तो किस लोगों की? ये उनके लिए जिसको बच्चा हुआ है। अच्छा, ऐसा ड्राई फ्रूट हुआ है। सबका बच्चा है। सर्जरी हुई है क्या? इसकी बेटी की सर्जरी तेरे साथ में? अच्छा ठीक है, ये मेरे साइड वाली बेटी की खिचड़ी बनाया करो। लड्डू खाने के लिए बच्चा सबके हुआ है, खिचड़ी खाने के लिए बच्चा नहीं हुआ है। नहीं, हम तो खिचड़ी भी खा लेंगे भाई। मैंने तो खिचड़ी खाई है। मम्मी इसको देना खाने का क्या है? वो देना लौकी का जो मेरे लिए बना के दिया था ना, वो लौकी का देना खिलाना। से लौकी सब्जी जीरे वाली नहीं, अब तुमने बना दी तो बोलो मम्मी ने तुमने बाकी कच्चा तो लाइना है भाई। सुने ऊपर चड्डी तो लाइन आ गई बच्चे की, और मेरा बच्चा है। मैं ही लेके सारे घर में एक शुरू करता सबका नंबर। ये तो शाम में गई मैं, दोपहरी में गया हूँ, और भी कंटिन्यूसली तीन चार दिन मैं लेके आया हूँ। दो बजे आई बड़ी भाई, मोस्टली आगे ज्यादा नहीं बोले ऐसे। बॉडी धो रहा है मैं, और जब जा पर ले भी ना जाता मैं। मैंने साफ मम्मी लेके तो आई यार, वो हर बार झूठ बोलती हूँ यहाँ सबके सामने। झूठी मम्मी, झूठी मम्मी। आई तो नहीं लाई भूलिया ना, बुलाया तो कल लाई थी। नहीं कल तुमने बोला कब था मुझे लाने के लिए? सपने थोड़ी आ रहा है कि ऊपर लटक रख दिया हो। रोज की धोबे को काम है, रोज का लाइवे को काम है। देख रहे हो तुम किस चीज पे डिस्कशन हो रहा है हमारे घर पे, कि बच्चे की चड्डी नहीं लाए रहे तुम। वो भी कहाँ से, छत पे से नीचे लाने, इस पर डिस्कशन हो रहा है। क्या व्लॉग बन रहा है, क्या कंटेंट है, क्या लोग हैं, क्या कंटेंट है? अब सब अपने अपने अब अपने अपने काम गिनवा रहे हैं सब। तो तू रात में जगती है? मतलब आकाश वाला काम तू कर रही है? अब मैं लड्डू खा सकता हूँ। मैंने आज ही देखा है, जब दोनों ने मिलके बच्चा पैदा करा है तो उसका जो कुछ करना है वो दोनों को मिलके करना चाहिए। आकाश को भी करना चाहिए, बुलाओ स्कूल छुड़वा दो, छुट्टी वुट्टी करवा दो उसकी। 10 दिन की बात है, उसको नहीं बुला लेंगे। हाँ 10 दिन बाद उसकी छुट्टी पड़ जाएगी ना। लड़कियों को नहीं कहते हमें नहीं करवानी नौकरी, घर बैठ चड्डी साफ कर, चड्डी नहीं वो पिछवाड़ा सा हाँ सही है वैसे। 10 दिन 15 दिन बाद आकाश भी आ जाएगा, उसकी छुट्टी पड़ जाएंगी, फिर पूरा जून वो यहीं रहेगा, जब देखेंगे कितना काम करता है। क्योंकि उसे आकाश को नींद बहुत ज्यादा प्यारी है, तब पता चलेगा रात में जब जगना पड़ता है। मैडम को चार दादी टीवी में देख रही है, पोती फोन पे लग रही है, जिससे दादी तब आएगा। मम्मी कह रही है कि जैसे कि सुबह सुबह धूप दिखानी होते से, तो धूप दिखाने के लिए ऊपर लेके जाए आकाश। उसके बाद फिर हमने पनीर रखी, इसके सारे जो भी हम कपड़े कपड़े होते हैं अच्छे वच्चे भी गंदे होते सब उड़ा ले जाए। फिर इसको लेके जा धुल के आ, फिर बोलेगा यार मैंने बच्चा गलत कर लिया, मुझे अभी नहीं करना चाहिए।